बिहार में भी खेला होगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इस बात पर मुहर चिराग पासवान ने भी लगा दिया है। दरअसल राजद द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से चल करके पैदल वो भी राबड़ी आवास पहुंचे थे, जिसके बाद लगातार बिहार की राजनीति में बयानबाजी और कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। तमाम जो राजनेता हैं, तमाम जो लोग हैं, ये कहने लगे कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार राजद के साथ सरकार बना सकते हैं। लेकिन इस मसले पर जब चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या सही में सत्ता परिवर्तन होगा, खेला होगा, तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर, निश्चित तौर पर बिहार में खेला होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार राजद द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में पैदल चल करके पहुँचते हैं, तो इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि खेला होगा। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आप बयान सुनिए। खेला तो भाई होगा ही, क्यों नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पैदल चले जाते हैं लालू जी के इफ्तार में, इतने सालों से तो वो गए नहीं, हाँ, और आज पैदल चल कर, भाई पैदल मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए मायने रखता है पैदल चलकर जाना, क्योंकि 2004 में ऐसे ही सोनिया गांधी जी मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से मिलने उनकी आवाज़ पर पैदल चलकर गई थी। और ठीक एक दिन पहले जब अगले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार का दौरा करने वाले हैं, वो बिहार आने वाले हैं, उससे एक शाम पहले, इससे पहले की तो इफ्तारों में वो नहीं गए। 17 के बाद से मुझे कोई ऐसा विजुअल नहीं याद कि ऐसे कार्यक्रम 17 के बाद कई बार हुए हैं लालू जी के आवाज़ पर, राबड़ी देवी, आदरणीय राबड़ी देवी जी के आवाज़ पर मैंने कभी नहीं देखा कि उसमें मुख्यमंत्री जी कभी गए हों। बट बहरहाल जिस तरीके से वो गए हैं, और देखिए विरोधाभास तो है ना, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा हो ये तो कोई नहीं कह सकता ना, निरंतरता में विरोधाभास घटक दलों के बीच में, जनता दल यूनाइटेड भाजपा के बीच में देखने को मिला, पेगासस को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, हर चीज़ को लेकर विरोधाभास है। और ये बात मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी ये असंभव है। बहुत जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, और या फिर किसी और तरीके से अगर सरकार परिवर्तित होती है, नहीं भाई मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बट हाँ राजनीतिक जानकारी के अनुसार इतना ज़रूर बोलूँगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि क्यों नहीं बिहार में खेला होगा, जिस तरीके से लालू प्रसाद द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार पैदल चल करके राबड़ी आवास पहुँचे हैं, इससे पहले हमने नहीं देखा था। क्योंकि आपको याद होगा जब सोनिया गांधी भी रामविलास पासवान के साथ के बंगले पर पैदल चल करके आई थी, और वहीं जब बिहार गृह मंत्री आने वाले थे एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचते हैं इफ्तार पार्टी में, इससे पहले हमें यह देखने को नहीं मिला था। मुझे याद नहीं है कोई विजुअल्स की इस तरीके का हुआ हो, क्योंकि राजद इससे पहले भी कई बार इफ्तार पार्टी आयोजन कर चुका है, इससे पहले ऐसा तस्वीर देखने को नहीं मिला है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर देखा जाता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। विरोधाभास तो है कई नीतियों को लेकर के, कई चीज़ों को लेकर के, जनगणना का मुद्दा हो, विशेष राज्य का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो, कई चीज़ों को लेकर के। देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, ऐसे में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि खेला होना लाजमी है। अब बहरहाल देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद।